ब्लॉक कांग्रेस समिति एवं जनपद पंचायत बहर के अंतर्गत ग्राम पंचायत रामायण से ग्राम पंचायत करेली तक 2.5 किलोमीटर की टायर सड़क निर्माण का भूमि पूजन कार्यक्रम आज दिनांक 1 फरवरी 2023 दिन बुधवार को 11:00 बजे से करेली में संपन्न हुआ, जिसमें प्रमुख अतिथि संजय उइके जी विधायक, विशिष्ट अतिथि भगवंती श्याम अध्यक्ष जनपद पंचायत बहर, DLS भास्कर साहब को ब्लॉक व जनपद अध्यक्ष बहर, संतोष बिसेन अध्यक्ष ब्लॉक कांग्रेस कमेटी बहर, सिराज अख्तर जी प्रवक्ता कांग्रेस विधानसभा बहर, साजन दास बोरकर उपाध्यक्ष ब्लॉक बहर, माँ एस एल बिसेन अध्यक्ष पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ ब्लॉक बहर, माँ सारिंग्राम अध्यक्ष कांग्रेस निवादन ब्लॉक बहर, श्रीमती तुरंता मरकाम, जनपद सदस्य श्रीमती सागन बाई टेकाम, महेश टेकाम, भाई श्याम मरकाम, तमाम पूर्व सरपंच और हजारों की संख्या में महिलाओं एवं पुरुषों की उपस्थिति में विधायक जी ने अपनी बातें रखी तथा सभा को ब्लॉक कांग्रेस बहर के अध्यक्ष संतोष बिसेन जी ने भी संबोधित किया। हमारी माताएं हों, उनके स्वरोजगार की बात हो, हमारे युवा साथियों को गाँव में कैसे स्वरोजगार पैदा हो, चाहे वो कृषि के माध्यम से हो, चाहे पशुपालन के। सत्ता रहती तो शायद बहुत सारे काम करने का अवसर मिलता, और जो छोटी छोटी चीजें आज हमारे सामने डॉक्टर साहब ने रखे, मैं आज मंच के माध्यम से कहता कि हाँ मैं अभी कर सकता हूँ चुनौती, लेकिन मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि मेरी बड़ी खुद की इच्छा है कि किसानों को बिजली और पानी मिले, और आपके बहुत करीब में पानी है, तालाब भी डॉक्टर साहब ने मुझे दिखाए हैं जहाँ से हमारे सिंचाई के साधन, हम अगर ट्रांसफार्मर भी लगाते हैं तो कुछ किसानों को खेती के लिए वो फायदेमंद हो सकता है। तो मेरा अगला जो टारगेट है वही है कि हम किसान को कैसे पानी और बिजली उपलब्ध करा सकें। मैं इसके लिए पूरा प्रयास करूंगा, लेकिन मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि चुनाव बहुत करीब है और ऐसे समय में कर दूंगा ये तो संभव नहीं है, लेकिन आज उस मंच के माध्यम से आपको आश्वस्त जरूर करता हूं कि अगर चुनाव के बाद आप सब लोगों का आशीर्वाद एक बार फिर से मुझे अगर मिलता है और अगर सत्ता मेरी आती है तो सबसे पहला शुरुआत मेरा अगर कोई होगा तो वही होगा कि आपको बिजली मिले और पानी मिले। आप कान्हा नेशनल पार्क के बहुत करीब हैं, आप डॉक्टर साहब नेचर ट्रेल की बात कहें ना, निश्चित तौर पे नेचर ट्रेल बढ़ाने की बात अभी 3 तारीख को LAC की बैठक है, मैं आपकी मंशा और आपकी बात को उसमें निश्चित तौर पे रखूंगा, लेकिन एक अनुरोध और विशेष अनुरोध कहना चाहूंगा, हमारे पूर्व सरपंच साहब हमारे विनोद मामू भी बैठे हैं, मैं पहले भी कहता रहा कि कान्हा हमारे बहुत करीब में और कान्हा का फायदा हमको नहीं मिल रहा है, लोग बाहर से आ रहे हैं, हमारी अपनी जमीन खरीद रहे हैं और उसमें रिसोर्ट बना रहे हैं और हम या हमारे परिवार के बच्चे उसमें काम कर रहे हैं, और पैसा कौन कमा रहा है, बाहर वाला। ये हम सब लोगों की बहुत तकलीफदायक बात है, इसके लिए बार बार मैंने कहा हूं और आज फिर इस मंच के माध्यम से कह रहा हूं, आपके करीबी में ही अभी होम स्टे के नाम से 6 कॉटेज बन रहे हैं, 5-5 एक कॉटेज, एक होम स्टे 5, इस तरह से 6-6 5-30 कमरे का एक